Hi guys, how are you guys doing? I hope आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा विंटर सेल्फ केयर रूटीन। इस वीडियो में मैंने सिर्फ अपने फेवरेट्स को यूज किया है एंड ये सभी प्रोडक्ट्स अंडर 300 रुपीज। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिले। लेट्स बिगिन। हेलो हेलो, लेट्स जस्ट से दैट विंटर्स अपने साथ बहुत सारी सुस्ती भी लेके आती है। अब अगर सुबह सुबह आपका स्कूल नहीं है तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी सो जाएंगे, ये तो हम विंटर्स पे ब्लेम कर ही सकते हैं। ऑलराइट, सुबह की शुरुआत हमेशा हाइड्रेशन से अपने सेल्फ केयर रूटीन के अंदर सबसे पहला फोकस होना चाहिए हमारी इंटरनल वेलबींग पर। आई वुड सजेस्ट पूरे दिन में आप 3 से 4 मील जरूर खाएं। फाइबर, प्रोटीन, गुड फैट्स को अपनी डाइट में डेफिनेटली इंक्लूड करें। प्री वर्कआउट मील के बाद ओरल हाइजीन बहुत जरूरी है। जनरली ब्रेकफास्ट से पहले एंड ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करके मैं अपने वर्कआउट के लिए तैयार हो जाती हूँ। पूरे दिन के अंदर 1 घंटा अपनी बॉडी को मूव करना बहुत ही जरूरी है। अब चाहे वो स्ट्रेचिंग हो, योगा हो, घर के अंदर वर्कआउट करना हो या घर के बाहर वर्कआउट करना हो, आइडियली हम सभी का फोकस होना चाहिए कि एटलीस्ट एक बार फ्रेश एयर में जरूर जाएं एंड अपनी बॉडी को मूव करते रहें। इंटरनली फिट होने के लिए अच्छा खाना और वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। वर्कआउट सक्सेसफुली करने के बाद बना रही हूँ ये होम रेमेडी। इसके लिए आपको हल्दी लेनी है और धीमी आंच पे इसे हल्का सा रोस्ट करना है, जैसे ये ऑरेंज टोन हो जाए। इसमें ऐड करेंगे बेसन, कॉफी पाउडर और हनी। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और एक थिक सा एक्सफोलिएटिंग मास्क तैयार हो जाएगा। बॉडी को एक्सफोलिएट करने से पहले मैं ये स्क्रबिंग पैड यूज करूंगी। इससे आप अपनी बॉडी को रब करेंगे एंड धीरे ही सारी डेड स्किन निकल आएगी। सेसिफ सन एक्सपोजर की वजह से मेरे हाथों पे पिगमेंटेशन हो गई है और ये मेरा बर्थ मार्क भी है। इसी के लिए मैंने ये होम रेमेडी को तैयार किया। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस इज बाय फार द बेस्ट होम रेमेडी। अगर आपको अनइवन स्किन टोन का प्रॉब्लम है, इस होम रेमेडी को 1 हफ्ते में 2 बार जरूर ट्राई करें। अब ये होम रेमेडी को फैलाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये काफी थिक होता है टेक्सचर में। जहाँ पर भी अनइवन स्किन टोन है मैं इसे वहाँ अप्लाई करूंगी। इसके साथ मैंने लिया है राइस वाटर। 15 मिनट्स के बाद जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो अगर आपके पास टोनर है तो आप टोनर यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप राइस वाटर यूज कर सकते हैं। जेंटल प्रेशर के साथ एक सर्कुलर मोशन में जहाँ पर भी पिगमेंटेशन या अनइवन स्किन टोन है हम वहाँ पर इस मास्क से एक्सफोलिएट करेंगे। एक्सफोलिएट हो जाने के बाद इसे नॉर्मल पानी से वॉश करके लास्ट रिंस हमें राइस वाटर से देना है एंड दैट्स अबाउट इट। मैं ये अपने दोनों हाथों पे यूज करूंगी। मेरे लिए बॉडी केयर जितना इम्पोर्टेंट है उससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट है हेयर केयर। हेयर केयर को मैं स्टार्ट करूंगी स्कैल्प पे मसाज करके। आई फील लाइक आफ्टर यूजिंग द स्कैल्प मसाजर मेरे स्कैल्प पे सर्कुलेशन इंक्रीज हुई है एंड हेयर ग्रोथ में भी फर्क दिखा है। बहुत सारे लोग मुझसे मेरे शैम्पू पूछते हैं, देखने से आपको ये बॉटल बिल्कुल एस्थेटिक नहीं लगेगी। इनफैक्ट इसकी पैकेजिंग भी बहुत ज्यादा सिंपल है, बट ओ माय गॉड व्हेन आई टेल यू, वेट टिल यू यूज दिस प्रोडक्ट। मैंने इन प्रोडक्ट्स को ढूंढा था अमेज़न पे। इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी काफी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से भी अच्छी है। इनमें सल्फेट्स नहीं है, पैराबेंस नहीं है एंड ये सभी प्रोडक्ट्स 300 रुपीस के अंडर है। विंटर्स बालों को इतना ड्राई कर देता है। शैम्पूइंग के बाद कंडीशनर इज अ मस्ट। देखो, बॉडी हेयर रिमूवल आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। फॉर मी, मेरे मंथली पैम्पर रूटीन के अंदर मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं बॉडी हेयर रिमूवल को जरूर इंक्लूड करूं। बॉडी इरेजर के बाद मैं एक एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश यूज करूंगी। ये मेरी बची कुची जितनी भी डेड स्किन है उस सभी को अच्छे से स्क्रब ऑफ करेगा एंड मेरी स्किन एकदम बेबीज की तरह सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आपकी स्किन भी हार्ड है तो आप इस स्टेप को जरूर ट्राई करना। वॉश करने के बाद अपने बालों को अच्छे से सिक्योर करें एक माइक्रोफाइबर टॉवल में। अगर आपको हेयर फॉल होता है तो माइक्रोफाइबर टॉवल को डेफिनेटली यूज करना स्टार्ट कर दें। विंटर्स चल रही हैं एंड हॉट चॉकलेट ना बनाया जाए, ये मेरा एक गिल्टी प्लेजर है। बट मेरे हॉट चॉकलेट में मैंने शुगर नहीं ऐड करी है, इसमें पाम जागरी पाउडर ऑलरेडी एडेड था। आई गेस गिल्टी बट नॉट दैट गिल्टी। बैक टू बॉडी केयर। अब क्योंकि हमने अपनी बॉडी को अच्छे से एक्सफोलिएट किया है, पिगमेंटेशन मार्क को ट्रीट करना बाकी है। उसके लिए मैं यूज करूंगी एक क्लियरिंग सीरम। अनइवन स्किन टोन, पिगमेंटेशन या टैनिंग, पोलिएशन के साथ साथ इसे ट्रीट करना भी बहुत जरूरी है। इस क्लियरिंग लोशन में 2% अल्फा आर्बुटिन है एंड ये सिर्फ 300 रुपीज का है। तो जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है उन सभी एरियाज पे मैं सीरम को अप्लाई करूंगी। यू सी हाउ ड्राई माई हैंड्स हैव बिकम, इतने ड्राई है कि स्किन पील ऑफ हो रही है। इसके लिए मैं यूज करूंगी एक नरिशिंग हैंड क्रीम। चाहे तो आप आलमंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। ऑल दीज प्रोडक्ट्स जो भी मैं यूज कर रही हूँ, दीज आर ऑल माई फेवरेट प्रोडक्ट्स। ये सभी 300 रुपीज के बजट के अंडर है। एवरी ऑल्टरनेट डे आई मेक श्योर शाम को कोई भी एक्टिविटी करी जाए, चाहे वो रनिंग हो, वॉकिंग हो या जिम हो, फ्रेश एयर इम्पोर्टेंट है। डू माई स्किन केयर, अपनी स्किन केयर में इन पैड्स को यूज करती हूँ। इस पे मेकअप या स्वेटिंग की वजह से फेस को डबल क्लेंस करना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं एक क्लेंजिंग बाम यूज कर रही हूँ फॉलोड बाय फेस क्लेंजर। क्लेंजर की खास बात यह है कि इसमें नीम और तुलसी का यूज किया गया है। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो ये आपकी स्किन को साफ रखेगा। बहुत रिक्वेस्ट आती है फॉर अ टोनर विच इज अंडर 300 रुपीज, तो ये वाला टोनर आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल मैं अपनी स्किन को प्रेप कर रही हूँ।
अगर आपके लिप्स पिगमेंटेड हैं तो आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। आई वुडन्ट से लिप पिगमेंटेशन चली जाएगी, बट इस लिप बाम के यूसेज से मेरे लिप्स का कलर थोड़ा लाइट हुआ है। जो भी लोग ब्लैकहेड या व्हाइट हेड से सफर कर रहे हैं, इन ब्लैकहेड स्ट्रिप्स को यूज कर सकते हैं। ये आता है इन अ पैक ऑफ 6 एंड ये आपके जितने भी अड़ियल व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स हैं उन सभी को निकाल देगा। ऑन टू फेशियल हेयर रिमूवल। ऑनेस्टली मैंने एपिलेटर, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, लेजर सभी ट्राई कर लिया है। ट्रस्ट मी, उन सभी में सबसे इकोनॉमिकल एंड बेस्ट मेथड मुझे फेशियल रेजर लगता है। बालों को एयर ड्राई करने के बाद हम वुडन कॉम यूज करेंगे एंड क्योंकि बाल थोड़े गीले हैं, उन्हें मैनेजेबल बनाने के लिए मैं इस सीरम को यूज करूंगी। ये हेयर सीरम अफोर्डेबल है बट इसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको अच्छी फ्रेग्रेंसेस वाले हेयर सीरम पसंद है तो आप इसे ले सकते हैं। ब्लैक स्ट्रिप अच्छे से ड्राई हो चुकी है, अब आएगा मजा। देखो ये चारकोल वैक्स से तो बहुत कम पेनफुल है बट थोड़ा सा तो अनकंफर्टेबल है। द ब्राइटर साइड, आपके ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को ये एकदम निकाल देगा एंड जो कुछ भी बच जाएगा उसे आप इस टूल से बहुत इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो बहुत ही केयरफुली इस टूल को यूज करना, बिकॉज अगर आपने ज्यादा प्रेशर लगाया तो ये आपको एक परमानेंट मार्क दे देगा एंड नन ऑफ अस वांट दैट, राइट? आप चाहे तो इससे पहले अपने फेस को स्टीम कर सकते हैं एंड इसको फॉलो कर सकते हैं अपने रेगुलर स्किन केयर से। यूज करूंगी ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम बिकॉज विंटर्स में स्किन को मॉइस्चराइज रखना बहुत जरूरी है एंड क्योंकि मुझे एक लाइट जेल बेस्ड सनस्क्रीन पसंद है, मैं ये वाली सनस्क्रीन यूज करूंगी इन SPF 55। मेरे पास यही अवेलेबल था तो मैंने इसे यूज किया। जनरली प्रेफर करे 30-50 SPF हो, पर रूटीन शुड नॉट जस्ट बी लिमिटेड टू स्किन केयर। तो अगर आपको कुछ रीडिंग पसंद है, किसी भी टाइप की हॉबी पसंद है, आप उस हॉबी को फॉलो करें, हर दिन कुछ न्यू लर्न करें। द सीजन आ गया एंड आई हैव नो नेल पेंट ऑन। मैंने विंटर्स का परफेक्ट कलर चूज किया। दिस इज बाय फार माय फेवरेट रेंज एंड ये नेल पेंट्स इतनी अफोर्डेबल है, द कलर एंड द वैरायटी, आई जस्ट लव इट। मेरे नेल्स भी और मेरे डायनासोर दोनों मैचिंग। एक सूदिंग टी के साथ मैं अपना बचा हुआ काम कंप्लीट कर लूंगी। अ फ्यू पीपल दैट आई रियली एडमायर ऑलवेज टॉट मी वन थिंग, एवरी सिंगल डे इज अ न्यू डे एंड इट्स नेवर टू लेट टू लर्न अ न्यू स्किल। आपको कोई पैशन है या हॉबी है, लिटरली अर्ज यू टू परस्यू दैट। मेरे मंथली पैम्पर रूटीन के अंदर मैंने एक और चीज को इंक्लूड किया है, कामिंग फेशियल मसाज बिफोर गोइंग टू बेड एंड उसी लिए मैंने अपने डिफ्यूजर में लैवेंडर एसेंशियल ऑयल की 3-4 ड्रॉप्स डाल दी है। अगर आपकी एल्बो, नी क्रैक्ड है, बोरोलिन को जरूर ट्राई करना, ये आपकी स्किन को बहुत हेल्प करेगी। बस अब एक गुआशा या फिर जेड रोलर अगर आपके पास नहीं है तो फिंगर्स आर एज गुड। आप अपने शोल्डर से स्टार्ट करते हुए एक फेशियल मसाज दें, आपकी बॉडी को डी स्ट्रेस करेगा एंड आपको एक बहुत ही अच्छी नींद आएगी। एक साउंड स्लीप के लिए डी स्ट्रेस होना बहुत जरूरी है। थिंग विच हैज रियली हेल्प मी, आप सोने से पहले थोड़ा सूदिंग म्यूजिक भी सुन सकते हैं। होप आपको एक साउंड स्लीप आए, मेरा विंटर सेल्फ केयर रूटीन आपको अच्छा लगा। एंड इफ यू डिड लाइक इट देन डू शेयर माई वीडियोज विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। नॉट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियोज। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय।